नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन का निधन गुरुवार सुबह हो गया। आपको बता दें कि चेन्नई के अस्पताल में सुबह 11:20 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके निधन पर PM नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। PM ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर लिखा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। हमारे देश के इतिहास में बहुत बुरा वक्त है। कृषि में उनका अभूतपूर्व कार्य ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। कृषि में अपने क्रांतिकारी योगदान के अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन नवाचार के साथ ही साथ पावर हाउस और कई लोगों के लिए एक मेंटोर भी थे। अनुसंधान और मेंटरशिप के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से अनगिनत वैज्ञानिक और साथ ही साथ बहुत से लोग एक अमिट छाप छोड़ चुके हैं। अपने पोस्ट में PM मोदी ने आगे कहा कि मैं डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ अपनी बातचीत को हमेशा याद रखूंगा। भारत को प्रगति करते देखने का उनका जुनून अनुकरणीय था। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। पारिवारिक सूत्र ने बताया, सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि बढ़ती उम्र की वजह से होने वाली बीमारियों से स्वामीनाथन काफी समय से पीड़ित थे, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।